जिया की मम्मी ने स्टार दिया पूजा भट्ट को, लेकिन यहां पर क्या जिया की मम्मी का पूजा भट्ट को स्टार देना बनता था? अब इस बात पर सवाल जिया की मम्मी के जाते साथ उठा दिए हैं फुकरा इंसान ने। फुकरा लगातार इसी बात की कॉन्वर्सेशन जो है करते हुए नजर आए थे एल्विश के साथ, और उसके बाद जब जिया आई तो उसको भी बोलते हुए नजर आए। लाइव फीड में अभी वही चल रहा है कि भाई तेरी मम्मा ने जो है वो गलत कर दिया, क्यों? तो वो बताते हैं कि देखो मुझे था, फुकरा अपनी कैलकुलेशन बता रहा था कि मुझे ये था कि मुझे एक स्टार तो मिलेगा ही मनीषा के पापा से, जो उसे मिला। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा दूसरा गणित यह है कि मुझे दूसरा स्टार अगर मिला तो किससे मिलेगा? एल्विश की मम्मी से 50-60%, वरना वो मनीषा के दे सकती हैं। जिया की मम्मी से भी फुकरा को उम्मीद थी कि शायद मिल जाए, लेकिन जिया की मम्मी ने पूजा भट्ट को दे दिया। अब यहां पर फुकरा ये बोलता हुआ नजर आया कि मुझे ये लगता है कि अगर जिया की मम्मी किसी को स्टार देना चाह रही थी तो अविनाश होना चाहिए था, जिसने इतना ज्यादा जिया का साथ दिया है और कभी भी उसके बारे में उसने गलत नहीं सोचा और हमेशा उसका साथ देता हुआ नजर आया है, तो उसको स्टार देना चाहिए था। तो जिया की मम्मी ने अनफेयर कर दिया है, ये बात साफ साफ जिया के मुंह पर और जिया की मम्मी के जाने के बाद बोलता हुआ नजर आया है फुकरा इंसान। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ये जो गलती है ये हुई है, और ये जो चीज है वो जिया की मम्मी ने देना किसी और को चाहिए था और दिया किसी और को, लेकिन उन्होंने बोला मैं पूजा जी को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उन्होंने घर को घर रखा, तो ये फुकरा है ये लगातार जिया से भी इसी बात पे कॉन्वर्सेशन कर रहा है कि जो है गलत हो गया, स्टार जो है अविनाश को मिलना चाहिए था क्योंकि वो डिजर्व करता था। तो एक बात है कि जब आपके घर वाले आते हैं तो वो आ रहे हैं गेम देख कर आ रहे हैं, वो ये भी देखते हैं बाहर कि आपके बच्चे को कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, और इसी बेस पर स्टार दे रहे हैं। और इसीलिए फुकरा को लगा कि जो जिया की मम्मी का डिसीजन है वो गलत था। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं।